नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है फोटो स्टूडियो। आपकी अपनी दुकान नॉर्थ फेसिंग उत्तर मुखी है और आप अपनी दुकान में नया फोटो स्टूडियो का सेटअप करना चाह रहे हैं, या आपका अपना फोटो स्टूडियो पहले से है और आप अपने स्टूडियो को रेनोवेट करने जा रहे हैं, तो मैं आज आपको वास्तुशास्त्र के नियम और अपने अनुभव की जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको अपना फोटो स्टूडियो का सेटअप कैसे करना चाहिए। आपका जो फोटो स्टूडियो है वो नॉर्थ फेसिंग है। सबसे पहले तो आपको जो ध्यान रखना है, आपका जो फोटो स्टूडियो है या जो आप फोटो स्टूडियो बनाने जा रहे हैं, वो आपका रोड के लेवल से हमेशा ही ऊँचा होना चाहिए। आपका फोटो स्टूडियो मॉल के अंदर है तो उसमें भी जो आपका बाहर का कॉरिडोर होता है, जो रास्ता होता है, उससे आधा इंच एक इंच ऊंचा जरूर होना चाहिए। आपकी दुकान ऑन रोड है या गली के अंदर है, उसमें भी आपकी दुकान गली के लेवल से, रोड के लेवल से ऊंची ही होनी चाहिए। आपकी दुकान के बाहर का एरिया हमेशा ही साफ सुथरा होना चाहिए, ऊंचा नीचा खड्डे वाला नहीं होना चाहिए। आपकी दुकान के बाहर 2 फुट का 3 फुट का यदि फुटपाथ है तो वो भी आपका बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। यदि आप अपनी दुकान में अंदर आने के लिए पैड़ी बना रहे हैं, स्टेप्स बना रहे हैं, सीढ़ी बना रहे हैं, तो उसमें भी ध्यान रखना है जो स्टेप्स बने वो बिल्कुल आरामदायक बनने चाहिए। और आप जितने स्टेप बनाएं, यानी एक स्टेप बनाया, दूसरा स्टेप बनाया और तीसरे स्टेप में आप अपनी दुकान के अंदर आ जाते हैं, तो ये 3 स्टेप आपके बिल्कुल सही है। यदि आप सिर्फ एक स्टेप बनाते हैं और उसके बाद सीधे फर्श पर अपनी दुकान के अंदर आ जाते हैं तो एज पर वास्तु ये गलत है। इसके लिए आपको करना क्या है, जो आपका एक स्टेप बाहर बना हुआ है उसके बाद आप एक पायदान जरूर रखें। जो आपने अपने स्टेप पर पौड़ी पर जो पत्थर लगाना है वो आपका वाइट कलर या ब्लैक कलर या ब्लू कलर का ही होना चाहिए। ग्रे कलर का पत्थर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं शटर की। जो आपका शटर है, शटर का जो कलर होना चाहिए वो स्काई ब्लू कलर का ही होना चाहिए। जब भी आपकी नॉर्थ फेसिंग दुकान में शटर का कलर स्काई ब्लू आ जाता है तो वहाँ पर हमेशा ही धन दौलत आने के साधन बन जाते हैं और धन दौलत आती है। इसलिए आप अपने यहाँ पर अपने शटर पर स्काई ब्लू कलर का पेंट करें। और जितने स्टूडियो होते हैं उनमें हमेशा ही फ्रंट के भाग में ग्लास डोर लगाकर एंट्री की जाती है। उसमें आपने जो एंट्रेंस करनी है वो एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ सेंटर के बीच में ही आपने अपनी दुकान की, अपने स्टूडियो की एंट्रेंस करनी है। आपकी स्टूडियो की चौड़ाई ज़्यादा है तो नॉर्थ सेंटर से लेके नॉर्थ ईस्ट की ओर आप अपनी एंट्रेंस बनाएं। यदि आपकी दुकान की चौड़ाई कम है तो आप नॉर्थ ईस्ट कोने से एंट्रेंस करके और नॉर्थ तक आप अपनी एंट्रेंस बना सकते हैं। यहाँ से एंट्री करने के बाद आपको करना क्या है, जो आपका डोर है उस डोर से लेकर फ्रंट के भाग में आप अपनी डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिस्प्ले करनी है वो बिल्कुल हल्की करनी है, या आपने अपने यहाँ पर जो आपका ये ग्लास लगा हुआ है बड़ी फ़ोटो लगानी है तो उसमें ध्यान रखना है जो फ़ोटो आप लगाएं उसके अंदर रेड कलर या पिंक कलर नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो आपने अपनी डिस्प्ले करनी है वो डिस्प्ले आप वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक, इस भाग में भी आप अपनी डिस्प्ले करें। गेट से एंट्री आने के बाद जो ऑनर की सीटिंग है, ऑनर की सीटिंग वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के भाग में बनानी है। ये ऑनर की सीटिंग आ जाती है और ये ऑनर का काउंटर आ जाता है। इसमें हमेशा ही फोटो स्टूडियो के अंदर कैश का काम होता है। उसके लिए करना क्या है, जो कैश बॉक्स बनाना है वो कैश बॉक्स ओनर के राइट एंड में बनाना है। इसी के साथ
जो आपका साइड का पार्ट है यहाँ पर भी आपने एक साइड टेबल बनानी है और इसके अंदर भी आपने एक कैश बॉक्स बनाना है जो आपका नॉर्थ की ओर ओपन हो। इसके बाद बात करते हैं गेट से अंदर आने के बाद ऑनर की सीटिंग हो गई, डिस्प्ले हो गया, कैश बॉक्स हो गया, कस्टमर के बैठने की सीटिंग। कस्टमर के जो बैठने की सीटिंग है वो आप ईस्ट की दीवार के साथ और यहां पर साउथ की दीवार के साथ कस्टमर की सीटिंग बनाए। इसमें ध्यान रखना है जब आप यहाँ पर कस्टमर की सीटिंग बनाए तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडियो के अंदर सेटी लगाई जाती है और कुछ स्टूडियो ऐसे भी होते हैं जो बड़े लेवल पे स्टूडियो होते हैं वहाँ पर सोफे भी रखे जाते हैं। यहाँ पर आपने यदि सेटी रखनी है तो उसमें ध्यान रखना है कि सेटी के अंदर कभी भी सामान नहीं रखना। ये एरिया जितना हल्का हो जितना खाली होगा उतना ही अच्छे रिजल्ट देता है। इसके लिए आप यहाँ पर स्टूल लगाएं या हल्की चेयर रखेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। यहाँ पर यदि आप सोफ़ा लगाते हैं तो सोफ़ा लगाते समय भी ध्यान रखना है, सोफ़ा यदि आप पाए वाला लगाते हैं तो आपको इसके रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। यहाँ पर ऑनर का काउंटर हो गया। काउंटर के साथ यदि आपने दो चेयर रखनी है तो वो दो से तीन चेयर जितना भी आपके पास स्पेस मिलता है यहाँ पर कस्टमर के बैठने की सीटिंग भी बना सकते हैं। स्टूडियो के अंदर एक कंप्यूटर सिस्टम रखा जाता है जिसमें फ़ोटो और वीडियो की एडिटिंग होती है। उसके लिए आपने करना क्या है, जो वेस्ट का भाग है इस भाग में आप अपना एक कैबिन बनाए। इस कैबिन में यहाँ से यानी कैबिन के नॉर्थ ईस्ट से एंट्रेंस करनी है और ये डोर आपका नॉर्थ वॉल पर आकर खुल जाता है। यहाँ से अंदर आने के बाद यहाँ पर ईस्ट की ओर फेस करता हुआ आप कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना कंप्यूटर लगाएं और इसमें जो आपने अपनी स्टोरेज करनी है वो स्टोरेज आप अपनी वेस्ट की दीवार पर, यहाँ पर आप अपनी स्टोरेज करेंगे तो ये एज पर वास्तु बिल्कुल अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं अंदर की, क्योंकि फोटो स्टूडियो में एक एरिया ऐसा भी होता है जिसके अंदर फोटोएँ खींची जाती है। उसके लिए यहाँ से आपने एंट्रेंस करनी है और इसमें साउथ के भाग में आने के बाद अंदर वाले पोर्शन में बैक साइड के एरिया में हमेशा फ़ोटो खींचने का सिस्टम बनाया जाता है। यहाँ से इस गेट से अंदर आने के बाद यानी जो आपका ये हॉल है इसके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के भाग से अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद इस एरिया में बहुत सारे कर्टन लगाए जाते हैं, पर्दे लगाए जाते हैं जिनके ऊपर अलग अलग फ़ोटोएँ खींची जाती है। उसके लिए आपको करना क्या है, क्योंकि जो आप पर्दे लगाते हैं जो आप कर्टन लगाते हैं इनके अंदर अलग अलग कलर होते हैं। यदि ये कलर स्कीम आपके यहाँ सही हो जाती है तो मेरा अपना यह मानना है कि आपका फ़ोटो स्टूडियो बहुत ही बेहतर चलेगा। उसके लिए आपको करना क्या है, जो आपकी साउथ की दीवार है साउथ की दीवार पर आप साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेके साउथ वेस्ट कॉर्नर तक इसमें आपने साउथ की दीवार पर रेड कलर, पिंक कलर, बेज कलर, लाइट ब्राउन कलर के पर्दे ही लगाने हैं। ऐसे ही आपने वेस्ट की दीवार पर वाइट कलर और ग्रे कलर का पर्दा लगाना है। जो आपकी नॉर्थ वॉल है यानी गेट से एंट्री करने के बाद और यहाँ से लेकर वेस्ट की दीवार तक इस पोर्शन में आपने पर्दे लगाने हैं तो ये पर्दे आपके ग्रे कलर के या वाइट कलर के ही आने चाहिए। अब बात करते हैं हम ईस्ट की दीवार के, जो ईस्ट की दीवार है साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेकर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक इस दीवार पे आपने ग्रीन कलर और लाइट ब्राउन कलर के पर्दे ही लगाने हैं। हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप जिस भी कर्टन पर जिस भी पर्दे पर फ़ोटो खींचते हैं उसके बाद आपने जो आपकी साउथ की दीवार है इसके ऊपर रेड कलर या पिंक कलर का पर्दा पूरा होना चाहिए और ऐसे ही वेस्ट वॉल पर वाइट कलर का पर्दा होना चाहिए, नॉर्थ वॉल पर ग्रे कलर या
वाइट कलर का ही पर्दा होना चाहिए, और ईस्ट वॉल पर जो आपने पर्दे लगाने हैं वो सिर्फ ग्रीन कलर और लाइट ब्राउन कलर के, और जब ओपन रखने हैं हर वक्त वो सिर्फ ग्रीन कलर का ही पर्दा आपका ओपन होना चाहिए। फ़ोटो स्टूडियो के अंदर बहुत सारा सामान भी रखा जाता है, कुछ स्टैंड्स होते हैं, कुछ बॉक्स होते हैं, वो आपने कहाँ रखने हैं? वो आपने अपने स्टूडियो के साउथ वेस्ट के भाग में ही रखने हैं, इस एरिया में आपने सारा सामान रखना है। यदि आप इस तरीके से अपना सेटअप कर लेते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। इसमें मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जब आप अपना नया स्टूडियो बनाने जा रहे हैं तो आपके यहाँ जो फर्श की ढलान होनी चाहिए वो हमेशा ही साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर ही होनी चाहिए। आप ऐसे फर्श की ढलान करते हैं तो आपका स्टूडियो कभी भी घाटे में नहीं जाएगा, नुकसान में नहीं जाएगा। जो आपने यहाँ पर फ्लोर टाइल लगानी है वो ऑफ वाइट कलर की आपने फ्लोर टाइल्स लगानी है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने कस्टमर की सीटिंग करनी है, जो आपने सेटी लगानी है या चेयर लगानी है, इसके ऊपर जो कपड़ा होना चाहिए, सेटी का जो कपड़ा होना चाहिए वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। जो चेयर लेके आए वो आप ग्रीन कलर के लेके आए, और ओनर की चेयर प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो चेयर है वो वाइट कलर की ही होनी चाहिए। कंप्यूटर रूम प्लस ओनर की सीटिंग का जो फर्नीचर है उसमें जो कलर का इस्तेमाल करना है वो वाइट कलर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और उसके साथ हल्का ग्रे कलर का भी आप इस्तेमाल करेंगे तो यह भी आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देगा। जो बातें मैंने आपको बताई है, आप इस तरीके से अपना सेटअप करते हैं तो आपका स्टूडियो हमेशा ही प्रॉफिट में रहेगा, कभी भी लॉस में नहीं जाएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।